देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा रूबी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है संगम विहार से होती हुई देवली विधानसभा, संगम विहार विधानसभा, दोनों विधानसभाओं में ये रैली निकलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो रैली में आप पार्टिसिपेट करने आए हो किस संदर्भ में निकाली जा रही है? बीजेपी के लिए आए हैं, रूबी यादव जी का समर्थन करने। आप तिरंगे के सम्मान में नहीं आए हैं? तिरंगे के सम्मान में भी आए हैं। महिलाएं भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, साथ ही आप देख रहे हैं ये एक जीप है, इस जीप के ऊपर में भी हो सकता है रूबी यादव जी की जीप हो या फिर किसी ना किसी और दिग्गज कार्यकर्ता या नेता की जीप हो। बीजेपी की तरफ से ये पूरी की पूरी रैली जो आयोजित की गई है, इसमें सबसे अहम जो हैं वो रूबी यादव जी। आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है जो कि रूबी यादव जी के नेतृत्व में किया गया है। ये पूरी जो रैली है संगम विहार बी ब्लॉक से होते हुए पूरे संगम विहार की परिक्रमा करेगी, आसपास के सभी क्षेत्रों में भी ये बाइक रैली जाएगी। इसके संदर्भ में हम जानेंगे रूबी यादव जी से कि ये रैली 15 अगस्त के उपलक्ष्य में किस कारण निकाली गई है और इससे क्या बेनिफिट है आम लोगों का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमारे जितने भी भाईगण शहीद हुए हैं उन्होंने जो अपना खून बहाया हम लोगों की आज़ादी के लिए, यही वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली थी उन लोगों की इतनी मेहनत के बावजूद, तो इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो दिन है हमारा, राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है कि इसको हम मनाएं और अपनी स्वतंत्रता अपनी आज़ादी का जो जश्न हमारा मनाना जाना चाहिए वो हमारे लिए अगस्त के महीने में पूरा अगस्त मनता है और शुरू हो जाता है। इसी तरह से जैसे 26 जनवरी में पूरा महीना हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए और आज़ादी हमारा राइट है। हम लोग जब अपना जीवन जीते हैं तो हमें चाहिए हम खुली हवा में सांस ले पाएं, लेकिन आज जो एक खुली हवा हमें मिल रही है इसके पीछे एक ही कारण है कि वो देशभक्त, वो राष्ट्रभक्त जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिनका बहुत खून बहा है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, और जो शहीद जो हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, जो बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, ऐसे वीरों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को मैं नमन करती हूँ और हमें पूरे साल उनको याद रखना चाहिए। लेकिन ये एक हमारी छोटी सी मुहिम है कि जो जो तिरंगा यात्रा में जुड़ता जाएगा, जिस मंडल से, जिस जगह से, जिस कॉलोनी से हम निकलेंगे वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें राष्ट्रहित में काम करने चाहिए, देश के प्रति प्रेम हमारे मन में होना चाहिए, उसके बाद हमारा दूसरा दायित्व बनता है कि हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि सभी को प्रेम से रहना चाहिए, इसीलिए आज इस तिरंगा यात्रा में हम पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया से गुजरेंगे वहाँ पर लोगों को अपने साथ लेकर ही चलेंगे। मैडम, इसमें आम जनता के की बात करें तो कितने बड़े पैमाने पे आम जनता और आम जनता का सैलाब शामिल है? ये सब आम जनता ही है, ये कोई हमने जो रखा है आज आम जनता के लिए ही रखा है ताकि जनता में कोई किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है, लेकिन वो जब तिरंगा आ जाता है तो उस झंडे के नीचे सभी एक हो जाते हैं और आज ये जन सैलाब आम जनता के साथ ही हम लोग जिले के चल रहे हैं और पूरा जन सैलाब हमारे साथ है। लेकिन एक प्रश्न और उठ कर आता है, कहीं ना कहीं हम बात करें जो लोग अभी तिरंगा और बीजेपी का दोनों का झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने तिरंगे को कहीं ना कहीं बीजेपी के झंडे से नीचे रखा हुआ है, ये देश के विरुद्ध नहीं है या देश के जो लोकतंत्र है उसके विरुद्ध नहीं है? देखिए, ये आपकी सोच है, क्योंकि किसी के हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ में भाजपा का झंडा अगर है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा के समर्थक हो, भाजपा को अपने दिल में कमल अपने मन में खिलाकर घूमते हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और रही बात झंडा ऊपर और नीचे रखने की, तिरंगा सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा, लेकिन जब किसी के हाथ में तिरंगा होता है तो अपने हाथों की अदला बदली जैसे कि मैं भी देख पा रही हूँ वो लोग कर रहे हैं, तो किसी हाथ में तिरंगा हो जाता है और किसी हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हो जाता है, तो इन चीज़ों को आप ना देखें, आप ये देखें कि उनके देश में उनके जो दिल है उसमें राष्ट्रभक्ति है। तो हमारे बीच रूबी यादव जी मौजूद हैं, इन्होंने साफ बोला है तिरंगे की अपनी खुद की अहमियत है, तिरंगा झंडा सदैव ऊंचा रहेगा और हमेशा रहेगा। बाकी यह है पूरी रैली का विवरण मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में दे रहा हूँ।
आप लोग घरों से बाहर निकलिए और रूबी यादव जी के साथ तिरंगा यात्रा का